हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका श्री देवी क्लासेस के अंदर। जैसा कि हमारा सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट चल रहा था सर्वेइंग, उसी से रिलेटेड हमने अभी तक चैन सर्वेइंग के अंदर लीनियर मेजरमेंट्स की बात की थी। आज हम बात करेंगे राइट एंगल मेजरमेंट्स की। इनसे रिलेटेड कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कैसे कैसे प्रोसीजर है जिसे राइट एंगल मेजर करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स को सेट करने के लिए कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो जो मोस्ट कॉमनली जो यूज किए जाते हैं चैन लाइन के अंदर वो है क्रोस्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्म स्क्वायर, देन साइड स्क्वायर। ओके, तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा क्रोस्टाफ। क्रोस्टाफ क्या होता है? द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू सेट ए राइट एंगल। एक सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम राइट एंगल को सेट करते हैं ऑन सर्वे लाइन। देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ, तो क्रोस्टाफ भी थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ओपन क्रोस्टाफ, ये इस तरह से ओपन होता है और ये ओनली 90 डिग्री मेजर करता है। देन फ्रेंच क्रोस्टाफ इस तरह से होता है और ऑक्टागोनल शेप के अंदर होता है जिसके अंदर 90 और 45 डिग्री के एंगल मेजर किए जाते हैं। देन एडजस्टेबल क्रोस्टाफ, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि हम किसी भी एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो एडजस्टेबल क्रोस्टाफ हो जाएगा, वो इस तरह से होता है। तो अब इनको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज ओपन क्रोस्टाफ। देन टू सेट आउट द एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट से ये होता है ओपन क्रोस्टाफ वुडन का, जिसे कि हम राइट एंगल इट मींस 90 डिग्री का जो एंगल है वो मेजर कर सकते हैं। द ओपन वुडन क्रोस्टाफ इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्रोस्टाफ। ये वुडन का होता है, ओके, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्रोस्टाफ की। एंड इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 4 सेंटीमीटर थिक राउंड और स्क्वायर पीस ऑफ वुड। ये 4 सेंटीमीटर थिक होता है, ये राउंड भी हो सकता है और ये स्क्वायर भी हो सकता है। इन डायमीटर वेरिंग फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर, तो ये जो डायमीटर होगा वो वेरी करेगा 15 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर। गिविंग टू लाइंस ऑफ साइड द डिस्क इज प्रोवाइडेड विद टू साकर्स अबाउट 1 सेंटीमीटर डीप एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। ये इस तरह से ये जो दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, तो ये दो कट लगाए जाते हैं जो 1 सेंटीमीटर डीप होते हैं, ठीक है, एट राइट एंगल्स पे। ये तो था ओल्ड वर्जन। अब इसका एक मॉडिफाई वर्जन भी आ गया है। देन द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द ओपन क्रोस्टाफ, ये इस तरह से मेटल आर्म होता है क्रोस्टाफ, इन विच द वुडन हेड इज रिप्लेस्ड बाय 4 मेटल आर्म्स। कि ये जो वुडन का जो हेड था इसको रिप्लेस कर दिया गया है 4 ये जो मेटल के आर्म्स है इनसे। देन द वर्टिकल स्लिट्स ऑफ साइटिंग थ्रो द राइट एंगल्स टू ईच अदर, तो ये वर्टिकल स्लिट्स होते हैं इसके अंदर ये, तो इससे हम राइट एंगल पे जो एंगल है वो मेजर कर लेंगे। तो इससे 90 डिग्री के एंगल मेजर किए जाते हैं, सेट आउट द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये इस तरह से वुडन में और मेटल के अंदर दोनों तरह से होते हैं ओपन क्रोस्टाफ। इसमें स्टैंड लगा होता है, ये ऐसे होता है इंस्ट्रूमेंट, इसको हम ऐसे स्टैंड पे लगा के यूज करते हैं। इन क्रोस्टाफ सेकेंड टाइप इज द फ्रेंच क्रोस्टाफ। इट कंसिस्ट ऑफ एन ऑक्टागोनल ब्रास ट्यूब, ये ऑक्टागोनल शेप में होता है, ब्रास ट्यूब से बना होता है, विद स्लिट्स इन ऑल द 8 साइड्स। इस पे जो 8 साइड्स बनी होती है ऑक्टागोनल, इट मींस ये 8 साइड्स होती हैं इसके अंदर। इट हैज एन अल्टरनेट वर्टिकल साइटिंग स्लिट, ये वर्टिकल जो है अल्टरनेट पे बनी होती है साइटिंग स्लिट्स, एंड एन अपोजिट वर्टिकल विंडो विद ए वर्टिकल फाइन वायर, ये वर्टिकल फाइन वायर होगी, और हॉर्स हेयर होगा, अदरवाइज क्या होगी, फाइन वायर होगी। देन ऑन ईच ऑफ द 4 साइड, और अदर जो 4 साइड्स होंगी उसके अंदर क्या होंगी, साइटिंग स्लिट्स होंगी। देन दीज आर यूज फॉर सेटिंग आउट द राइट एंगल, इनका हम यूज करते हैं राइट एंगल्स के लिए। ऑन द अदर साइड्स आर वर्टिकल स्लिट्स, जो वर्टिकल स्लिट्स होती हैं इनसे हम मेजर करते हैं 45 डिग्री का एंगल। टू दोज मेंशन अबव द सेटिंग आउट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। ओके, तो ये ऑक्टागोनल शेप के अंदर होता है और इसमें जो 8 साइड्स होंगी जिसके अंदर 4 साइड तो हमें राइट एंगल मेजर करने के काम में आएंगे, इट मींस 90 डिग्री के एंगल के लिए, और जो 4 साइड्स होंगे उनसे हम 45 डिग्री का एंगल मेजर कर लेंगे। तो ये दोनों तरह के एंगल मेजर करता है, 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री। नेक्स्ट वन है क्रोस्टाफ के अंदर कौन सा एडजस्टेबल, तो एडजस्टेबल इट मींस ये सेट आउट एनी एंगल, कोई भी हम इससे एंगल है वो सेट कर सकते हैं। एडजस्टेबल क्रोस्टाफ कंसिस्ट ऑफ ब्रास सिलेंड्रिकल ट्यूब, ब्रास की सिलेंड्रिकल ट्यूब से ये बना होता है जिसका डायमीटर कितना होता है 8 सेंटीमीटर, तो ये ब्रास की ट्यूब से बना होगा और ये 8 सेंटीमीटर डाया का होता है। बाय सर्कुलर रैक द अपर सिलेंडर कैन बी रोटेटेड रिलेटिव टू द लोअर वन बाय स्क्रू, तो स्क्रू से ये जो है एक ये अपर है ये लोअर वाला, तो ये दोनों जो है सिलेंडर ये दोनों मूव करेंगे और इन स्क्रू से हम इनको क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। विद साइटिंग स्लिट्स, ये साइटिंग स्लिट्स भी होते हैं इसके अंदर, बोथ आर प्रोवाइडेड एज द अपर वन कैरीज ए वर्नियर, तो जो अपर वन होगा ये अपर वाला है तो इसके अंदर वर्नियर स्केल होगा। लोअर पार्ट इज ग्रेजुएटेड टू डिग्रीज एंड सब डिविजन, और ये जो लोअर पार्ट है यहाँ
यहाँ पे जो हमें दिख रहा है ये डिग्रीज होंगे या सब डिविजन होंगे, तो इनसे क्या करेंगे हम एडजस्ट करके राइट एंगल और 45 डिग्री और किसी भी तरह का जो भी एंगल हमें मेजर करना है वो हम इससे मेजर कर सकते हैं। आफ्टर क्रॉस स्टाफ द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द राइट एंगल्स दिस इज द ऑप्टिकल स्केयर। एंड ऑप्टिकल स्केयर एक हैंड इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस तरह से होता है जिससे हम एंगल मेजर कर लेते हैं 90 डिग्री और 45 डिग्री के। इट इज मोर कन्वीनियंट और एक्यूरेट होता है किसके कंपैरिजन में, ये हमारे क्रॉस स्टाफ के कंपैरिजन में ये एक्यूरेट होता है। और ये कौन से लॉ पे बेस्ड होता है, ये होता है रिफ्लेक्शन के लॉ पे बेस्ड होता है। देन थर्ड वन हमारे पास है प्रिज्म स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर ये इसी तरह का होता है ऑप्टिकल स्क्वायर की तरह ही। द प्रिज्म स्क्वायर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज द ऑप्टिकल स्क्वायर, जिस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा मींस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसी पे ये वर्क करेगा। इट इज मोर मॉडर्न एंड प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, ये ऑप्टिकल स्क्वायर से भी ज्यादा प्रिसाइज है। क्रॉस स्टाफ से ज्यादा प्रिसाइज ऑप्टिकल स्क्वायर है, देन ऑप्टिकल स्क्वायर से ज्यादा प्रिसाइज है प्रिज्म स्क्वायर। एंड इट इज यूज्ड टू सिमिलर मैनर, जैसे ऑप्टिकल स्क्वायर यूज करते हैं वैसे ही हमारे पास प्रिज्म स्क्वायर यूज करते हैं। इट हैज द मेरिट दैट नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द एंगल, एडजस्टमेंट है एंगल का वो नहीं करना पड़ता है इसके अंदर, ये होता है प्रिज्म स्क्वायर के अंदर, जबकि ऑप्टिकल स्क्वायर के अंदर हमें सेट करना पड़ता है एंगल को। ओके, देन दे कैन बी प्रोवाइडेड आइदर विद मिरर्स और विद वन और टू प्रिज्म्स, या फिर प्रिज्म स्क्वायर है उसके अंदर जो प्रिज्म लगाते हैं वो कौन से होते हैं, वो वन और टू प्रिज्म्स कोई भी हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज से जो हम स्क्वायर के साथ यूज करते हैं कौन से मिरर्स, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय स्क्वायर्स विद प्रिज्म। तो स्क्वायर्स के साथ हम मिरर में क्या होता है प्रैक्टिकली कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उन्हीं डिफिकल्टीज की वजह से, स्क्वायर के साथ जब हम प्रिज्म का यूज करते हैं तो वो प्रिज्म स्क्वायर हो जाता है जिन्हें प्रिज्मेटिक स्क्वायर्स बोलते हैं। एंड देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ प्रिज्मेटिक स्क्वायर्स, फर्स्ट वन इज सिंगल प्रिज्मेटिक स्क्वायर, देन सेकंड वन इज डबल प्रिज्मेटिक स्क्वायर। तो ये दो तरह के होते हैं, सिंगल और डबल। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगल प्रिज्मेटिक स्क्वायर। द प्रिज्म ऑफ द सिंगल प्रिज्मेटिक स्क्वायर इज फिटेड इन ए मेटल फ्रेम, मेटल फ्रेम के अंदर फिट किया जाता है विद ए हैंडल, एक हैंडल के साथ इसको हम फिट करते हैं एक मेटल फ्रेम के अंदर और उसके साथ एक हुक प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि जो प्लम बॉब है वो उसके साथ हम क्या कर सके, कनेक्ट कर सके और इसकी जो पोजीशन है वो हम ग्राउंड पे मार्क कर सके। और प्लम बॉब की जो डिटेल्स है वो हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर है। द स्पेशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिज्म, इसमें प्रिज्म की ऐसी स्पेशल कंस्ट्रक्शन किया जाता है जिससे कि अनेबल्स टू सी द राइट एंगल्स व्हेन लुकिंग थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, जब हम इंस्ट्रूमेंट में देखें तो हमें ये राइट एंगल में दिखे। द सिंगल प्रिज्मेटिक स्क्वायर और सिंगल प्रिज्म कैन बी यूज्ड टू सेट आउट, हम सिंगल प्रिज्मेटिक को यूज करते हैं राइट एंगल्स के लिए या फिर परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। तो इस तरह से ये हमें परपेंडिकुलर लाइन देगा व्हेन वी यूज द सिंगल प्रिज्मेटिक स्क्वायर। अब हम प्रिज्मेटिक स्क्वायर से कैसे हम राइट एंगल मेजर करेंगे वो देख लेते हैं। हम सेटिंग आउट राइट एंगल्स इन पेग सी, ये सी पे हमने एक पेग लगाया है और पेग क्या होता है ये इसका डिस्कशन हमारे प्रीवियस वीडियो में है। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये एक पेग वुडन का बना होता है जिससे कि हम ग्राउंड पे किसी भी पॉइंट की पोजीशन को मार्क कर, एक बेस लाइन है। इन पेग सी इज वन ऑफ द बेस लाइन, बेस लाइन पे बना हुआ है, इज डिफाइंड बाय द पोल्स ए एंड बी, जो बेस लाइन को डिफाइन कर रहा है रेंजिंग पोल जो है, रेंजिंग रोड जो है उससे हमने बेस लाइन डिफाइन की है और उसी पे हमने एक पेग लगाया है जिसको हमने नाम दिया है सी। ए राइट एंगल हैज टू बी सेट आउट स्टार्टिंग फ्रॉम पेग सी, एक राइट एंगल हमें मेजर करना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, हमारे पास सी हो। तो कौन सी, ये राइट एंगल पे है, ये है, ये है, कौन सी है, ये हमें मार्क करना है। तो इसको आगे हम देखते हैं कि कैसे मार्क करेंगे। कि प्रोसीजर से रिलेटेड हम देखते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा एक हैंड इंस्ट्रूमेंट है प्रिज्मेटिक स्क्वायर, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड के अंदर देखा है। द प्रिज्मेटिक स्क्वायर हैज टू बी प्लेस्ड वर्टिकली अबव पेग सी, सी जो हमने पॉइंट लिया था उस पे हमने वर्टिकली क्या प्लेस कर दिया है प्रिज्मेटिक स्क्वायर। एंड दिस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग ए प्लम बॉब, प्लम बॉब से हमने देखा था कि उसकी जो पोजीशन है वो हम ग्राउंड पे मार्क कर लेंगे, सी पॉइंट पे हमने मार्क कर लिया ये प्लम बॉब है इसके अंदर। द इंस्ट्रूमेंट कैन बी हैंड हेल्ड बाय द ऑपरेटर, बट इवन बेटर इज टू इंस्टॉल द इंस्ट्रूमेंट ऑन ट्राइपॉड, कि हम इसको हाथ से भी हैंडल कर सकते हैं, हाथ में लेके भी खड़े हो सकते हैं, बट उससे क्या होगा थोड़ा सा ये इधर उधर हो सकता है। इवन बेटर हमारे लिए यही होगा कि हम इसको इंस्टॉल कर लें एक ट्राइपॉड और उसी के थ्रू हम इसकी जो पोजीशन है वो हम मार्क कर लें। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो प्रिज्मेटिक स्क्वायर है उसको हम ट्राइपॉड पे क्या करें, इंस्टॉल कर लें टू मेजर राइट एंगल। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या होगा, द इंस्ट्रूमेंट इज स्लोली रोटेटेड अंटिल द इमेज ऑफ पोल ए, कि हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होता है इसको हम रोटेट करेंगे, कि जब तक रोटेट करेंगे जब तक कि पोल ए की जो क्या है कैन बी सीन व्हेन लुकिंग थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, जब तक हमें ए की जो पोजीशन है वो हमें इस इंस्ट्रूमेंट के
अंदर ना दिखें, ये इस तरह से ऐसे देखेंगे हम यहाँ से, ये देख रहे हैं सी पॉइंट से, एक ही इमेज इंस्ट्रूमेंट में जब तक नहीं दिखेगी प्रिज्म स्क्वायर के अंदर तब तक हम उसको रोटेट करेंगे। नाउ स्टेप 3 इज एन असिस्टेंट शुड होल्ड पोल, एक असिस्टेंट होगा जो पोल को होल्ड करके खड़ा है जिसको हमने डी नाम दे दिया, इन सच ए वे दैट इट कैन सीन व्हेन लुकिंग थ्रू द ओपनिंग जस्ट अबव द प्रिज्म। उसको हम किससे देखेंगे, ये प्रिज्म के ऊपर जस्ट जो ओपनिंग है ना यहाँ से हम इसको देखेंगे। तो क्या होगा, एट द इंडिकेशन ऑफ द ऑपरेटर पोल डी स्लाइटली मूव सो दैट द पोल फॉर्म वन लाइन, कि इसको हम स्लाइटली मूव करवाएंगे, ये इस साइड में है जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इस साइड में, इसको हम स्लाइटली मूव करवाएंगे लेफ्ट या राइट के अंदर जैसे भी होगा, तो ये क्या होगा एक लाइन के अंदर आ जाना चाहिए। तो क्या होगा, विद द इमेज ऑफ ए, ए की इमेज के साथ ये वन लाइन के अंदर आ जाना चाहिए, द लाइन कनेक्टिंग पोल डी, तो जो लाइन आप जो कनेक्ट करेंगे डी ए पेग सी से, जो लाइन कनेक्ट करेंगे पोल डी पर, तो वो किस में आएगी हमारे पास राइट एंगल के अंदर आएगी विद द बेस लाइन, बेस लाइन के साथ ये क्या हो जाएगा हमारा राइट एंगल या फिर परपेंडिकुलर। इस तरह से हमने सिंगल प्रिज्मेटिक स्क्वायर से राइट एंगल मेजर कर लिया। फर्स्ट क्या किया, एक बेस लाइन थी उसपे हमने पोल ए और बी था हमारा, सी पॉइंट लगाया उसपे हमने जो इंस्ट्रूमेंट रखा, स्टेप सेकंड के अंदर ए को देखा, ए को ए लाइन में लेके आए, और देन इसके बाद में हमने डी पॉइंट को मार्क किया राइट एंगल के अंदर, वो भी कैसे कि यहाँ से ए की जो इमेज है उसी के साथ हमारी डी की इमेज भी मैच करनी चाहिए, तो ये कैसे आ जाएगा राइट एंगल के अंदर। अब हमारा सेकंड प्रोसीजर है कि सेटिंग आउट परपेंडिकुलर लाइंस को सेट करना। इन द बेस लाइन इज डिफाइंड बाय पोल ए एंड बी, बेस लाइन को हमने डिफाइन किया है पोल ए और पोल बी से, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द बेस लाइन, बेस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए, हैज टू बी सेट आउट फ्रॉम सी, सी पोल से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन डालनी है। अब ये क्या है, ये जो हमारा सी पॉइंट है लास्ट प्रोसीजर के अंदर कि ये बेस लाइन पे जो हमारा सी पॉइंट था, बट अब ये हमारी बेस लाइन पे ना होके साइड के अंदर है, तो अब इसको हम कैसे परपेंडिकुलर बेस लाइन पे लेके आएंगे इसको देखते हैं। अब इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप निकल के आता है वो है द ऑपरेटर शुड स्टैंड विद द इंस्ट्रूमेंट ऑन द बेस लाइन कनेक्टिंग ए एंड बी, कि इस लाइन पे ये खड़ा होगा ऑपरेटर होगा वो ए और बी जो बेस लाइन है उसके ऊपर, टू चेक दिस द असिस्टेंट स्टैंडिंग बिहाइंड पोल ए और बी, ये चेक कर रहा है असिस्टेंट कि ये इसके पीछे खड़ा है या फिर नहीं, मीन्स इसकी स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है बेस लाइन के ऊपर वो देखेगा। मेक श्योर द प्लम बॉब अटैच विद द इंस्ट्रूमेंट, मेक श्योर करना चाहिए कि ये इस तरह से ये हमारे पास हुक था, इसे हमने प्लम बॉब लगा रखा है या नहीं जो कि इसकी पोजीशन को ग्राउंड पे मार्क कर रहा है, इज इन लाइन विद पोल, कि ये एक लाइन के अंदर हो ए और बी लाइन के अंदर, द ऑपरेटर व्हेन रोटेट्स द इंस्ट्रूमेंट अंटिल द इमेज ऑफ पोल कैन बी सी, ये क्या करेगा जो ऑपरेटर होगा वो रोटेट करेगा इंस्ट्रूमेंट को जब तक की इमेज ऑफ पोल ए कैन बी सीन, प्रिज्म स्क्वायर के अंदर जब तक इमेज नहीं दिखती तब तक इसको रोटेट करेंगे और वो इमेज किसकी होगी ए की। द नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप ये होगा, द ऑपरेटर देन मूव्स द इंस्ट्रूमेंट अलोंग द बेस लाइन अंटिल फाइंड्स द पोजीशन फॉर व्हिच व्हेन लुकिंग थ्रू द इंस्ट्रूमेंट पोल सी, कि ये हमारा जो पोल सी की जब तक हमें इमेज नहीं दिखती है तब तक ये प्रिज्म स्क्वायर है उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करते रहेंगे रोटेट करते रहेंगे, तो ऑपरेटर मूव करता रहेगा प्रिज्म स्क्वायर को जब तक कि ये हमें सी की इमेज ना दिख जाए तब तक, ठीक है। तो ये इसको लेफ्ट और राइट में करेगा लास्ट प्रोसीजर की तरह, जैसे कि एक लाइन के अंदर जब तक नहीं आ जाता है तब तक। अब इसके अंदर क्या होगा, वाइल सर्चिंग द राइट पोजीशन, जब हम सर्च कर रहे हैं राइट पोजीशन की, द ऑपरेटर मस्ट कीप द इंस्ट्रूमेंट ऑलवेज इन ए लाइन पोल ए एंड बी, तो ऑपरेटर को हमेशा ये एक जो लाइन है ए एंड बी इसके बीच में ही खड़ा होना चाहिए, दिस इज डन अंडर द गाइडेंस ऑफ द असिस्टेंट स्टैंडिंग बिहाइंड पोल ए, तो पोल ए के जो पीछे की साइड में जो असिस्टेंट खड़ा है उसी की गाइडेंस में ये इस सी की पोजीशन को मार्क करेंगे ताकि ये बता सके कि तुम इस लाइन से इधर उधर तो नहीं जा रहे हो, तो जैसे ही सी की इमेज हमें इसके अंदर दिखती है तो हम इसको एक लाइन के अंदर लेके आएंगे, तो ये किस पे आ जाएगी राइट एंगल पे। तो हमने इसके अंदर दो प्रोसीजर दिखे जिसमें एक तो बेस लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट मार्क करके सी और फिर हमने डी की पोजीशन मार्क की थी, अब ये क्या है जो सी पॉइंट है ये बेस लाइन पे ना होके बाहर कहीं है तो उससे हम राइट एंगल कैसे मेजर कर सकते हैं, ये दोनों प्रोसीजर अभी हमने देखे। नेक्स्ट है डबल प्रिज्मेटिक स्क्वायर, सिंगल प्रिज्मेटिक के अंदर सिंगल प्रिज्म होता है, इसके अंदर डबल प्रिज्म होता है, द टू प्रिज्म्स आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट इज पॉसिबल टू लुक एट द सेम टाइम एट द राइट एंगल टू द लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट और राइट के अंदर जो राइट एंगल्स बन रहे हैं उनको क्या करेंगे हम दोनों प्रिज्म से देख सकते हैं, इन एडिशन द ऑब्जर्वर कैन लुक स्ट्रेट अहेड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट थ्रू द ओपनिंग अबव एंड बिलो द प्रिज्म, तो अबव और जो बिलो दो जो प्रिज्म होंगे उनसे हम स्ट्रेट देख सकते हैं एक साथ, जैसे फर्स्ट
सिंगल प्रिज्मेटिक के अंदर पहले हमें पोजीशन ए की मार्क करनी पड़ती, फिर उसको सेट किया, फिर उसके बाद में हमने सी की इमेज उसके साथ लेके आए। बट इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर ए की भी साथ में दिखती है और सी की भी साथ में दिखती है। इट इज दस पॉसिबल टू सी बेस लाइन एंड द परपेंडिकुलर लाइन एट द सेम टाइम। तो हम क्या करते हैं, सेम लाइन को हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी लाइन को, बेस लाइन को और परपेंडिकुलर लाइन, उन दोनों को हम सेम टाइम पे देख सकते हैं। नो असिस्टेंट इज नीडेड टू चेक। तो इसके लिए हमें असिस्टेंट की नीड नहीं होती है, जो चेक करता है कि हम बेस लाइन के ऊपर हैं या फिर नहीं है, जैसा कि सिंगल प्रिज्मेटिक स्क्वायर के अंदर हम करते हैं। तो डबल प्रिज्मेटिक स्क्वायर के अंदर असिस्टेंट की नीड नहीं होती है और ये उससे ज्यादा इजी होता है। सिंगल प्रिज्मेटिक स्क्वायर की तरह हम इसका भी जो सेटिंग करते हैं राइट एंगल्स की, उसका प्रोसीजर देख लेते हैं। इन पेग सी, सी पे जो हमने पेग लगाया है इन दी बेस लाइन पे है ये सी पॉइंट हमारा। ए और बी दो हमारे पास रेंजिंग रोड है जो हमारे बेस लाइन को शो करती है। ए राइट एंगल हैज टू बी सेट आउट, तो हमें राइट एंगल देखना है कि ये इस लाइन पे है, इस पे है, इस पे है। प्रोसीजर हम आगे देखते हैं। इसका स्टेप फर्स्ट देखते हैं हम कि द ऑब्जर्वर होल्ड द इंस्ट्रूमेंट वर्टिकली अबव पेग सी। सी ये जो पेग लगा रखा है सी पे, इस पे जो ऑब्जर्वर है वो इंस्ट्रूमेंट लेके खड़ा है, ठीक है, ऑन द बेस लाइन पे। दिस कैन बी चेक्ड विद द प्लम्ब बॉब। इससे प्लम्ब बॉब से हमने जो सी की पोजीशन है वो मार्क कर ली है। द इंस्ट्रूमेंट इज स्लोली रोटेट अंटिल द इमेज पोल ए इज इन द लाइन विद इमेज ऑफ बी। की इमेज ए की और बी पोल की जो इमेज है वो ए के लाइन के अंदर आ रही है या नहीं आ रही है, जैसे कि ए की इमेज यहाँ पे और बी की इमेज यहाँ पे है। देन सेकंड स्टेप के अंदर क्या होगा, द ऑब्जर्वर देन डायरेक्ट्स द असिस्टेंट होल्डिंग पोल डी। पोल ले रखा है और डी पॉइंट पे खड़ा है, उसको डायरेक्शंस देगा इन सच ए वे दैट सीन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, जिससे कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो डी है उसकी इमेज फॉर्म हो ऑन द लाइन विद द इमेजेस ऑफ द पोल। उसके साथ साथ ए और बी की इमेज भी उसके अंदर दिखेगी। ये इस तरह से तीनों एक लाइन के अंदर आ जाएंगे। द लाइन कनेक्टिंग पोल डी, की जो डी को जो कनेक्ट कर रही है लाइन पेग सी से, वो फॉर्म्स ए राइट एंगल विद द बेस लाइन, की वो फॉर्म हो रही है राइट एंगल कौन सी, ये बेस लाइन से राइट एंगल। तो इसके अंदर ओनली टू स्टेप्स थे। फर्स्ट के अंदर हमने बेस लाइन को एक लाइन के अंदर किया है, उस पे जो सी पॉइंट है उसको मार्क किया। देन सेकंड स्टेप के अंदर हमने क्या किया, डी की पोजीशन को मार्क किया जो कि ए और बी के परपेंडिकुलर है। नाउ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये सी पॉइंट अब हमारा बेस लाइन पे ना होके साइड के अंदर है, तो अब इससे हमने कोई परपेंडिकुलर लाइन लगानी है। इन दी बेस लाइन इज डिफाइंड बाय पोल्स। बेस लाइन हमने डिफाइन किए ए एंड बी से। ए लाइन परपेंडिकुलर ऑफ द बेस लाइन, की बेस लाइन सी पॉइंट से कौन सी जो है वो बेस लाइन के परपेंडिकुलर आ रही है, तो वो अब हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज लुकिंग थ्रू द इंस्ट्रूमेंट द ऑब्जर्वर मूव स्लोली ट्राइंग टू फाइंड द पोजीशन ऑन द बेस लाइन, की बेस लाइन पे वो जो ऑब्जर्वर है वो खुद की जो पोजीशन है वो लाना चाहता है, तो वो कभी इधर होगा कभी इधर होगा लेफ्ट राइट। जब उसकी जो इमेज है इंस्ट्रूमेंट पे, जब ए और बी दोनों पोल की जो इमेज ए की लाइन के अंदर आ जाती है, द इंस्ट्रूमेंट इज देन इन लाइन विद पोल्स ए एंड बी। ए और बी जो बेस लाइन पे की पोजीशन मार्क हो जाएगी जब ये एक ही लाइन के अंदर इस तरह से इंस्ट्रूमेंट के अंदर इमेजेस शो होंगी। नाउ इन दिस स्टेप सेकंड, ऑब्जर्वर मूव्स अलोंग द बेस लाइन टुवर्ड्स पोल ए एंड बी। ऑब्जर्वर इस बेस लाइन पे ए या फिर बी पोल की साइड जाएगा। ही स्टॉप्स व्हेन द पोल सी कैन बी सीन थ्रू द इंस्ट्रूमेंट। जब वो रुक जाएगा ऑब्जर्वर, जब उसको जो इमेज है सी की वो इंस्ट्रूमेंट पे दिखेगी एक लाइन के अंदर इन फॉर्म वन लाइन विद द इमेज। एक लाइन के अंदर जब दिखेगी तो वो इस तरह से एक लाइन के अंदर तीनों जब आ जाएंगी ए की, बी की और सी की इमेजेस, इट मींस वो क्या हो गया इसके राइट एंगल के अंदर, और उसकी पोजीशन को हम मार्क कर देंगे ग्राउंड पे प्लम बॉब की हेल्प से। इस प्रोसीजर के दो ही स्टेप होते हैं। फर्स्ट की ए और बी बेस लाइन पे जो ऑब्जर्वर है वो खड़ा हो जाए, और ए और बी की इमेज जब एक लाइन के अंदर आ जाएगी तो स्टेप सेकंड के अंदर वो सी की इमेज इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक लाइन के अंदर ले आए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा राइट एंगल। फोर्थ इंस्ट्रूमेंट जो राइट एंगल के लिए यूज करते हैं वो है साइड स्क्वायर। ये साइड स्क्वायर इज डिजाइन फॉर सेटिंग आउट स्ट्रेट लाइंस। हम इसको स्ट्रेट लाइंस के लिए 90 डिग्री पे ऑफसेट्स के लिए हम इसको यूज करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल मेटल से बना होता है। इट इज कंटेनिंग टू टेलीस्कोप। इसके अंदर दो टेलीस्कोप लगे होते हैं 90 डिग्री पे, सेट एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ए फाइन सेटिंग स्क्रू नियर द बेस लाइन। बेस लाइन पे एक सेटिंग स्क्रू लगा होता है। देन ए सर्कुलर स्प्लिट लेवल एट द टॉप, और इसके टॉप पे एक स्प्लिट लेवल लगा रहता है जो कि लेवलिंग इस इंस्ट्रूमेंट को लेवल करता है। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए। आई होप सो आप
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अंदर आज हमने डिस्कस किया कि चैन सर्वेइंग के अंदर जो राइट एंगल्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं वो और उनके प्रोसीजर भी। सर्वेइंग के बारे में आगे हम इसका और डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। हैव ए नाइस डे।